माइक नहीं टच करते आप, इस तरीके से बदतमीजी ये कर रही हैं। ऐसे माइक को धक्का नहीं मार सकती है, समझी आप? तो यहाँ पे वीडियो बनाने का किसने? मैं यहाँ रोड पर खड़ा हूँ, आपके घर में नहीं खड़ा हूँ, समझी आप? अच्छा, मीडिया को आप ऐसे नहीं, लेके चल, लेके चल मेरे को जेल। मैं जरूर, मैं पुलिस को भी कॉल करने वाला हूँ, उनको मैं बुलाने वाला हूँ। 112 पे मैंने कॉल किया है, ये मीडिया पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही है। आपका कोई रवैया नहीं हुआ है कहीं की, आप मालकिन नहीं है जो यहाँ पर आके आप मेरे ऊपर? सॉरी बोलिए, आप आपके घर पर नहीं खड़ा हूँ, मैं रोड पर खड़ा हूँ, सॉरी बोलिए। मैं नहीं बोलूंगी, जा सॉरी। भागिए मत, भागिए, भागिए का मत, बदतमीज औरत ये है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलकू दिल्ली। वो कहते हैं ना कि पूत का पूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए दुख उठाते हैं, माँ बाप बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, माँ बाप बहुत मशक्क़त से बहुत मेहनत से अपने बच्चे को किसी लायक बनाते हैं। एक बुज़ुर्ग जो इस वक्त सड़क पर बैठा है, इसकी आँखों में आंसू है, यही इनका घर है, यही इनका आशियाना है, ये यहीं रहते हैं, यहीं पर जो भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है, गुजरता है, इन पर तरस खाता है, इनको दो रोटी दे देता है, पानी दे देता है, उसी से अपना गुजारा करते हैं। गली गली घूमकर नुक्कड़ नुक्कड़ पर जाकर भीख मांगते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मणिराम। कितनी उम्र हो गई है? उम्र मेरी वैसे तो 50 है। तो क्या वजह है, मतलब बच्चों ने निकाला है? मकान उनके नाम हो गया है, बस मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ना मेहनत कर सकता हूँ, पैसे कहाँ से लाऊं? पर यह है, इसकी 2000 रुपये पेंशन आती है, इसमें मैं अपना विकलांग है, विकलांग है। देखिए, आप उंगली नहीं है अंकल जी की, और क्योंकि विकलांग है तो इसकी पेंशन आती है। कितनी पेंशन आती है? 2000 आती बेटा, उसी से गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, क्या आप रोड पर ही सोते हैं, रोड पर ही रहते हैं? हाँ, 3 साल हो गए रोड पर ही गुजार रहा हूँ। आपके बच्चे कभी लेने नहीं आए, आपकी पत्नी नहीं आती कभी? फोन करता हूँ, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं। क्या क्या है इनके पास? आप चल नहीं पाते ठीक से बाबा, तो चल नहीं पाते हैं इसलिए इन्होंने स्टैंड रखा हुआ है। और सामान देखिए, इसी स्टैंड पर इन्होंने पूरा सामान अपना टांगा हुआ है। मालेराम इनका नाम है, और ये जो है उत्तम नगर में ही रहने वाले हैं, उत्तम नगर के निवासी हैं, और इनका बेटा जो है वो भी उत्तम नगर में रहता है। तो बेटा कभी नहीं आता लेने के लिए? ना, इधर से गुजर जाता, नजर उठाकर नहीं देखता। आपके सामने से बेटा गुजरता है, आपको देखता तक नहीं? आपकी बीवी भी गुजरती है? वो भी नहीं देखती? वो भी नहीं देखती। उनके फोन नंबर हैं क्या आपके पास? अभी तो मेरे पास उनका फोन नंबर नहीं है, बाकी थोड़ी दूर चलेंगे ना जहाँ मेरा। अच्छा, अभी फिलहाल वो अपने घर पर ही रह रहे हैं? हाँ, घर पर ही है, हो सकता घर पर मिल जाए। आप कोशिश करते हो क्या कभी उनके घर जाने की, उनसे मिलने की? मेन गेट में खोलते हैं, बारिश आ जाती है, वहीं ऐसा सोच रहा है बगल का, वहीं मैं बैठ के आ जाता हूँ। अब घर किसके नाम आपने किया था? ऐसा जी, मैं पहले पटेलनगर रहता था, वहाँ का मकान उसने बिकवा दिया। आपकी बीवी ने? वो बिकवा दिया, उसके बाद मैंने चलो पानी की दिक्कत है, मैंने चलो पानी की दिक्कत है तो और कहीं ले ले, कि जब तो मेरे पास ताकत थी पटेलनगर से आने पर बस पानी भर के ले आता था। उसके बाद वो बेच के, वो हमारी मम्मी का नाम था, वो पेपर उसने जला दिए, फिर उसने अपने नाम से डीलर से मिलके अपने नाम करवा लिया। डीलर को बोला भी था तो पेपर मेरे नाम से बनाई हो, मतलब धोखे से उन्होंने अपने नाम ले लिया। आपको भरोसा था अपनी बीवी पे? भरोसा पहले था, इतना भरोसा, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया? भरोसा तोड़ दिया। क्या क्या तकलीफें होती हैं बाबा सड़क पर आप रहते हैं? बाबा कभी पानी फेंकते हैं, दो बार इसमे को ऐसे रोड पे पटक पटक के उन्होंने मारा है। अच्छा, मतलब यहाँ पर अगर आप अकेले रह रहे हैं तो भी आपको दुखी करने के लिए वो लोग आते हैं? हाँ, यहाँ भी दुखी करने आते हैं। क्या क्या करते हैं? मारते हैं, पीटते हैं, अब इस उम्र में उनकी मार खाने के लिए थोड़ी हूँ। क्यों इतना आपकी बीवी आपसे नाराज है, कोई तो वजह होगी? वजह बस वही है, बस कमाई का जरिया नहीं रहा, वो कहते पैसा लाओ। चलिए एक बार जरा हम लोग चलते हैं, क्योंकि देखिए
स्टोरी का दूसरा पहलू जानना बेहद ज़रूरी है, तभी ये पूरी खबर हो पाएगी। मैं इनके साथ जाता हूँ इनके घर, वहाँ हम लोग देखेंगे किस तरीके के हालात हैं। वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्या होगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे, प्रशासन की भी मदद लेंगे और जितना हम इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकी मदद हो पाए। तो व्यक्ति हैं, बुज़ुर्ग हैं, चलते रहिए अंकल जी, और इनको मैं इनके घर तक लेकर जाऊंगा और झलकू दिल्ली की इस रिपोर्ट में हम इनके साथ जुड़े रहेंगे, आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारा काम न केवल खबरें दिखाना है, खबरों का समाधान करना हमारा काम है। बुज़ुर्ग हैं, इनको हम इनकी मंजिल तक पहुँचाएंगे, इनके घर तक पहुँचाएंगे। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? तमाशा क्या हो रहा है यहाँ पे? माइक नहीं टच करते आप? माइक टच नहीं कर सकते आप? उधर जाके कर, देखिए किस तरीके से बदतमीजी ये कर रही हैं। आप ऐसे माइक को धक्का नहीं मार सकती हैं, समझिए आप? तो यहाँ पे वीडियो बनाने का किसने? मैं यहाँ रोड पर खड़ा हूँ, आपके घर में नहीं खड़ा हूँ, समझिए आप? तो फिर इसको लेके क्यों आए? आपको जेल भी हो सकती है इसके लिए। अच्छा, जेल को आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, लेके चल, लेके चल मेरे को जेल। आप रुकिए, मैं जरूर, मैं देखिए, लेके चलो मुझे। ये देखिए कितनी ज्यादा बदतमीजी पर ये उतर आई है, देखिये इन इसी से पता चलता है कैसा इनका स्वभाव है। जैसे इन्होंने आकर माइक को इन्होंने धक्का मारा है, इनके स्वभाव का ऐसे ही पता चल जाता है किस मानसिक प्रवृत्ति की ये औरत है, कैसी ये है। और इसके लिए देखिए मैं जरूर, मैं पुलिस को भी कॉल करने वाला हूँ, उनको मैं बुलाने वाला हूँ। 112 पे मैंने कॉल किया है और यहाँ के DCP को मैं कॉल करने वाला हूँ, खुद यहाँ के SHO को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ, क्योंकि इतनी बदतमीजी पर ये उतर आई है, इनको शर्म नहीं है, ये मीडिया पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही है। शर्म नहीं है आपको? शर्म नहीं है? नहीं, मीडिया को शर्म करनी है, करनी है तो किसी इनकी सच्चाई दिखा रहे हैं। क्या सच्चाई है ये इनके अंदर? क्या सच्चाई है बताओ? आप अपनी सच्चाई बता दो। धक्का मारोगी क्या? क्या धक्का? मेरे पे बीते नहीं, इसीलिए मैं मारू धक्का। आज तक मेरे को जो आज तक मैंने कभी किसी मीडिया वाले को, सॉरी बोलिए ऑन कैमरा, सॉरी बोलिए जो धक्का मारा है, सॉरी बोलिए, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। ये आपका कोई रवैया नहीं हुआ है कहीं की, आप मालकिन नहीं है जो यहाँ पर आके आप मेरे ऊपर, सॉरी बोलिए आप, आपके घर पर नहीं खड़ा हूँ मैं, रोड पर खड़ा हूँ, सॉरी बोलिए ऑन कैमरा, रोड पे बोलिए, सॉरी बोलिए आप, सॉरी बोलिए ऑन कैमरा, मैं नहीं बोलूंगी, जा सॉरी, ठीक है, आ जा। तो फिर तो 100 नंबर पे कॉल होगा। भागिए मत, भागिएगा मत नहीं, जैसे इन्होंने हाथ मारा क्या ये ठीक है? ऑन कैमरा हाथ मारना चाहिए? बोल दे ना सॉरी, सॉरी बोल दे, मीडिया कर्मी है, बदतमीज हो रही है। आप कैसे सॉरी बोल रही है जब 100 नंबर पे? क्या पुलिस का पागल है? मैं अपने घर के रफड़े को बाहर नहीं ले जाना चाहती, ठीक है ना? सॉरी बोल रही हूँ मैं। मैडम अभी ये सॉरी बोल रही हैं, इन्होंने जो बदतमीजी की है उसके लिए सॉरी बोल रही हैं मैडम। नहीं भेजिए सर पुलिस। नहीं मैडम मत भेजिए, कोई बात नहीं, इन्होंने सॉरी बोल दिया, मैंने यही कहा था कि सॉरी आप मांग लीजिए। कैसे मेरा माइक आपने पकड़ा? सॉरी बोलिए ऑन कैमरा, सॉरी बोलिए एक बार, सॉरी गलती हो गई मुझसे, ठीक है ना? अब बताइए कैसे व्यक्ति हैं ये भैया? देखिए इसने 20-22 साल हो गए मेरी शादी को, इस इंसान ने कभी हमारी परवाह नहीं करी। मैंने 20 साल से मेरे बच्चों को इतने सो को पाल पोस के बड़ा किया, इस आदमी ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कभी एक दिन में आगे ऐसा दिन नहीं है। इसने मुझे दूसरे आदमियों के पास भेज भेज के पैसा खाया है, मेरे दिल पे बीती है, मुझे बताना है भैया, मैं कैसे बताओ हैं? इसकी तरह मैं न्यूज बना के भेजूं हैं? ये सही कह रही हैं? ये गलत कह रही है जी। चलो मैं आपको पटनगर लेके चलती हूँ, जहाँ जहाँ कांड हुआ ना आपको सब लेके चलती हूँ, बताओ। अगर वो झूठ हो जाएगा ना तो मैं झूठ बोल दूंगी, बोलो। कोई औरत अपनी इज्जत पे खराब करेगी? मैंने बहुत सहा है, मैंने इस आदमी का बहुत इंतजार भी किया, बहुत समझाया भी है मैंने इसको कि अभी समझ जाओ, बच्चे हैं तुम्हारे छोटे छोटे, कल को बड़े हो जाएंगे ना तुम्हारी तरफ कोई देखेगा नहीं। इस आदमी ने गांव के 6 बिला जमीन पे अकेला बेच के खा गया, एक भी पैसा नहीं। तो कह रहे हैं कि आपने बेचकर खा लिया। अगर आपको मेरे का बात झूठे लगने ना, चलो आप इनके इनके परिवार में जाकर पता कर लो। कोई सबूत है आपके पास कि इन्होंने बेचा? हाँ सबूत है, सबूत दिखाइए। कागज इन्हीं के पास है सारा कुछ, मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं इनने। कागज तेरे पास नहीं रखे? इस घर के कागज गाँव वाले? इस घर के कागज तो मेरे नाम है, तो मेरे पास रहेंगे ना। कह रहे हैं धोखे से अपने? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये जमीन मैंने 80,000 के खरीदे, चाहे तो आप जिस जमीन से हमने खरीदे ना उससे बात कर लो। कितने की खरीदी? कितने की खरीदी थी? 74 की खरीदी थी, इसको यही याद नहीं है। 74,000 के तो कागज बनवाए थे मैंने। हाँ वो पैसा उसी पैसों में से कटे है ना? किस में से कटे है? जो डेढ़ भैया मैं पेशेंट ड्यूटी करती हूँ, रात की ड्यूटी करती हूँ मैं हॉस्पिटल में, उसमें से मैंने कमा के ये लिया। इनके जो मैंने जब पटेनगर की जमीन बेची थी ना, जब मुझे इतनी अकल नहीं थी, इनके खाते में मैंने वो सारे पैसे डाले थे। ये कह रहे हैं ये कॉलोनी में घूमते हैं आप, इनको मारती हैं, ढूंढ ढूंढ कर मारती हैं, पटक पटक के मारती हैं। मैं ये आज तक अभी मैंने इनको मारा है? बताइए, मारती हैं इनको? मारती हैं क्या? हाँ मारती है। इनको मारती है क्या? हाँ जी इनको मारती है क्या? ये आपके मुँह पर बता रहे हैं? ये मेरी कॉलोनी की नहीं है भैया,
ये मेरी है आपके कहने से नहीं बढ़ते जाएंगे कुछ भी होता है। ये मारती है ना, मारती है ये, इनको मारती है, क्यों मारती हैं? मेरी बात मैंने भी मारा नहीं है अभी तक भी। ये डर के मारे अपने गेट पे नहीं रुकते, और तक चलेगा क्या? क्या कह रहे हैं? ये डर के मारे अपने गेट पे नहीं रुकते, क्यों रख के दिखाओ? पुलिस वाले अंदर करके चले गए, तुमने फिर बाहर कर दिया। क्या करूंगी भैया, मैंने से बनाया घर, खून पसीना एक रात किया, इस आदमी ने एक दिन भी दिन नहीं है। अच्छा शादी का लिया इसका मतलब नहीं औरत बिठा के चला? फिजिकली फिट नहीं है, उनके अंगूठा नहीं है, ये तो अब हुआ है। और जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं रखेंगे इनको? भैया पैसे में मुझे नहीं चाहिए पैसा। आप इनको अपने साथ नहीं रखेंगे? मैं किसी की आस नहीं करती, अपने कमाती और खाती हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि इनके लिए रिश्ते से ज्यादा पैसा इम्पोर्टेंट हो गया है, और इनको ये पैसा नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इनको घर से निकाल दिया है। कुल मिलाकर बात यह है, किसी दुकान पर जाकर इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, जबकि जिंदे है। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवा दिया भैया? किसने बनवाया? मेरे पास है कोई प्रूफ? आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ दुकान वाले को ला दूं, बुला के दुकान वाला बताएगा। देखिए अलग अलग आरोप लोग लगा रहे हैं, मतलब आप ये मानिए कि केवल मैं नहीं, ये नहीं पूरा मोहल्ला इनके खिलाफ यहाँ पर खड़ा है। आप दिखाइए ये तस्वीरें, कितने सारे लोग खड़े हैं। ये लोग कैसे हैं? फ्रॉड हैं। इनको फ्रॉड बता रहे हैं? बिल्कुल। आज पूरी दुनिया ये वीडियो देखेगी, आज ये वीडियो पूरे देश में जानी चाहिए, आज ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए ये बुजुर्ग हैं, हाथ दिखाइए, इनके उंगली नहीं है, दो वक्त की रोटी नहीं दे पाते ये। पाल पाल के काम करती, मैं खुद इतनी बीमार रहती हूँ, मैं इसको कहाँ से पालूंगी? तो इनको आप घर से निकाल देंगे? अपने पति को घर से निकाल? अगर मैं बीमार होती ना तो ये मुझे कब का निकाल देता? इसने तो मुझे आपने एक इमेजिन कर लिया, वाह आपका दिमाग। मैजिक नहीं किया भैया, जब आदमी कर लिया भैया मैजिक नहीं किया, जब आदमी सही सलामत था ना तब भी इसने नहीं देखा। अब तो थोड़े टूट गए, एक साल से टूट गए इनके, और टूट गए वैसे ही। आपने बेसहारा कर दिया, पहले शरीर से बेसहारा इंसान हुआ, उसके बाद इन्होंने बेसहारा कर दिया, यही बात है ना? अब कुछ नहीं बोलेंगे आप? क्या अब कुछ नहीं बोलेंगे भैया? जब मुझे कमा के नहीं दे तो मैं भी नहीं दे सकती, मैंने इसका ठेका नहीं दिया। कहाँ से लगी? इनका हाथ नहीं है, पैर नहीं। अब टूटे है ना, पहले तो ठीक थे ना। अब कहाँ से कमा कर लाके? तो मैं क्या करूँ, मैंने कोई ठेका नहीं लिया भैया पालने का। अब ये मर जाए तो मर जाए, मर जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, म्यूनसिपालिटी वाले उठा के ले जाएंगे, मैंने कोई ठेका नहीं लिया इसका पालने का। आप सोचिए, आप मानसिकता देखिए इनकी, इनकी मानसिकता आप देखिए। लोग दो रोटी बोलते हैं ना, तुरंत ला के देते, पूजा सामने बैठे हैं, देते हैं कि नहीं देते? चाय पानी रोटी सब कुछ देते हैं बंदे इनको, ऐसा नहीं है कि ना। तो तुमने धक्का मार के उस दिन पुलिस वाला आया, ले जाने बुजुर्ग को समझ के रोटी खिला दियो। आपका अपना पति है, आप अपने पति को निकाल। पति धर्म जब इसने नहीं निभाया तो मैं भी भूल गई हूँ, मैं भी भूल गई हूँ भैया। कहीं ना कहीं ये पूरा जो पारिवारिक मामला है ये पूरा सार्वजनिक है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे मोहल्ला इसमें इन्वॉल्व है। दिखाई आप खा रहे हो ना ऊपर का किराया, आप खा रहे हो या नहीं खा रहे ये बताओ मुझे। मैं तो खाऊंगी क्यों नहीं? ऐसे कैसे बना दिया आपने? अच्छा दो बच्चे पैदा कर दिया, फ्री में हो गए दो बच्चे, फ्री में हो गए वो फ्री में हो गए। आप जैसे इल्जाम लगा रहे हो वो भी आप भी हो, वैसे ही हो गए बच्चे पीछे हुए बच्चे, वैसे आप भी होंगे जैसे इल्जाम लगा रहे हो। कोई बात नहीं, जो मेरे साथ होगा ना सुन ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, समझौता ले ले। वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप वो कुछ कह रहे हैं, समझौता ले ले। नहीं ले रही मैं कोई समझौता, समझौता नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मैं जेल में रोटी खा लूंगी लेकिन मैं इसको घर में नहीं घुसेड़ूंगी। समझौता नहीं करूंगी मैं चाहे रोटी जेल में खा लूंगी लेकिन इस इंसान को मैं घर में नहीं लूंगी। आप देख सकते हैं कैसी इनकी मानसिकता है, उसके बाद कितनी बदतमीजी इन्होंने किया। इन्होंने कहा बुला ले पुलिस को, और जब पुलिस को फोन किया तो इनके तोते उड़ गए, ये चुप हो गई, ये घबरा गई, ये डर गई, जितनी हवा में उड़ रही थी उतनी ज्यादा जमीन के नीचे धस गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और कहना सिर्फ इतना चाहूंगा कि कभी भी कोई पत्रकार आपके पास आ रहा है, कोई खबर करना चाहता है, अगर उस पर आप हाथ डाल रहे हैं तो 10 बार सोचिएगा, और आप भी 10 बार सोचिएगा, समझिए आप। और इन्होंने हालांकि सॉरी बोल दिया है, इसलिए मैं इनको माफ कर दे रहा हूँ। एक मीडिया वाले पर हाथ उठाने पर इनके ऊपर कितनी धाराएं मैं लगवाता इनको खुद नहीं पता होगा। और फिलहाल ये जो शख्स है, मैं दोबारा खबर पर लौटता हूँ, ये शख्स जो है इनका कहना है इनको घर से निकाल दिया है। इनका ये कहना है क्योंकि अब ये कमाते नहीं है तो अब ये घर पर नहीं रखेंगे, ठीक है। इनका हाथ जो है, हाथ नहीं है, इनका पैर नहीं है, इसके सहारे ये चलते हैं। आखिर ये बुजुर्ग इनको कहाँ से कमा कर ला कर देंगे, ये बड़ा सवाल है। पर फिर भी इन ये जो है इनको इनको पैसा ही चाहिए। क्या कह रहे हैं? चले जाऊंगी रोटी नहीं खिलाऊंगी तेरे को, घर में नहीं रखूंगी मैं।
ये घर पर नहीं रखेंगी, इन्होंने ये साफ कर दिया है। तो इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलकू दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।